दोस्तों 1945 वो समय था जब जापान में परमाणु बम से हमला किया गया था जिससे पूरा जापान तबाह हो गया था और उसके 2 साल बाद यानी 1947 में भारत आजाद हुआ था। लेकिन आज के दिन जब हम भारत और जापान पर नजर डालते हैं तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि आज जापान कहां से कहां पहुंच गया है और हम कहां रह गए हैं। और अगर हम देश प्रेम को बगल में रख दें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान आज भारत से 50 साल आगे है। जापान दुनिया की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। आज भारत में जो टेक्नोलॉजी नई लगती है वो जापान में पुरानी कही जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनकी वजह से जापान को पूरी दुनिया जानती है। टेक टॉयलेट। दोस्तों जापान में यूज किए जाने वाला टॉयलेट बहुत ही टेक्निकल होता है। दोस्तों हम बात करें इसकी कीमत के बारे में तो इसकी कीमत है 50,000 येन, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 48,500 रुपए बनते हैं। जापानी टॉयलेट काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इन टॉयलेट सीट्स का टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जापान के नॉर्मल घरों में इसी तरह के टॉयलेट यूज किए जाते हैं जो टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बुलेट ट्रेन। दोस्तों अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ये है बुलेट ट्रेन। दोस्तों आपको यह जान के बेहद हैरानी होगी कि जहां भारत में बुलेट ट्रेन को बनाने का काम शुरू हुआ है वहीं जापान में आज से करीब 50 साल पहले यानी 1964 में अपनी पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी थी। इससे जापानी लोगों का समय बचता है और कम पैसों में लोग ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर लेते हैं। यही वजह है कि जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत आगे है। रोड साइड शॉप। दोस्तों जापान में जब आप हाईवे पर जाते हैं तब आपको कुछ इस तरह की शॉप देखने को मिल जाती हैं। ये शॉप किसी इंसान या रोबोट की मदद से हैंडल नहीं की जाती बल्कि इन शॉप में केवल सामान रखा जाता है जिसमें फल सब्जियां और अन्य चीजें होती हैं। इन शॉप्स में वहाँ के किसान सामान रखते हैं और वहाँ से गुजरने वाले लोग सामान खरीदते हैं और पैसे वहीं रख जाते हैं। इस तकनीक से लोगों का टाइम बचता है और जापान में ईमानदारी देखने को मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी कोई चीज अगर इंडिया में होती तो क्या होता, कमेंट करके जरूर बताएं। मल्टी लेवल कार पार्किंग। दोस्तों जापान में कार पार्किंग एक समस्या थी जिसका एक यूनिक हल निकाला है जापान के इंजीनियर्स ने। जापान में अब पार्किंग के लिए अलग पार्किंग लॉट बनाए गए हैं जिसमें एक लिफ्ट के मदद से कार को अलग अलग केबल्स में भेज दिया जाता है। ये जगह बहुत सेफ रहता है और यहाँ आपकी कार्स भी बहुत सेफ रहती हैं। कैप्सूल होटल्स। दोस्तों जापान के कैप्सूल होटल्स देखने में काफी अजीब होते हैं लेकिन इनमें हर वो बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो आपको एक आम होटल में देखने को मिलती है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग ज्यादा महंगे होटल्स अफोर्ड नहीं करते। इस होटल में एक बेड के साथ सब कुछ एक छोटे से कैप्सूल में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये थी जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ दिलचस्प चीजें जो कि आज भारत के यूथ को सीखनी चाहिए, लेकिन भारत के यूथ तो टिकटॉक जैसे ऐप को बैन होने का दुख